हेलो गाइस, वेलकम टू यू स्टडी। अब आज हम बनाने जा रहे हैं वीडियो एमसीक्यूज के, जो हमारी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होंगे उनके एमसीक्यूज की। इसमें हमारे 25 से 30 क्वेश्चंस होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और गाइस, हमारे चैनल का सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्योंकि व्यूज बहुत होते हैं बट सब्सक्राइब नहीं हो पा रहे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेम टेम्परेचर टू कीप ईटेबल फ्रेश इन रेफ्रिजरेटर इज, कि हम कोई भी चीज़ अगर जो हम खाने की चीज़ को हम रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं, तो उसको फ्रेश रखने के लिए जो सेम टेम्परेचर होता है वो क्या होता है। चार ऑप्शन, 4 डिग्री, 0 डिग्री, 18 डिग्री या फिर 10 डिग्री। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा इसके अंदर, 4 डिग्री। 4 डिग्री सेल्सियस पे जब हम चीज़ों को रखते हैं तो वो क्या रहता है, बिल्कुल फ्रेश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक रिस्ट वॉच गेट एनर्जी फ्रॉम, कि जो ऑटोमेटिक रिस्ट वॉच होती है उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है। हमारी वॉच के अंदर एनर्जी कौन सी होती है, सबसे पहले बताइएगा कौन सी होती है। पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर होती है हमारी वॉच के अंदर। ठीक है, तो चार ऑप्शन है इसके अंदर, ट्विस्टिंग स्प्रिंग, लिक्विड क्रिस्टल, काइनेटिक एनर्जी या फिर मोमेंट ऑफ पावर एंड। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एनर्जी कहाँ से होती है ऑटोमेटिक रिस्ट वॉच के अंदर, ट्विस्टिंग एंड स्प्रिंग। तो एनर्जी स्प्रिंग की वजह से स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टेलीविजन इज स्विच्ड ऑन, जब टेलीविजन स्विच ऑन होता है तो क्या होता है। वी लिसन द साउंड फर्स्ट देन सी द पिक्चर, पहले हम साउंड को सुनते हैं उसके बाद पिक्चर दिखाई देती है। वी सी द पिक्चर फर्स्ट देन लिसन द साउंड, पहले पिक्चर देखते हैं उसके बाद साउंड। इट डिपेंड्स ऑन द टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और वी गेट ऑडियो एंड विजुअल एट द सेम टाइम। ठीक है, हमें पता है कि हमारी जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3000 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर मैं उसको मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो कितना हो जाता है हमारा, 3 × 10⁻⁸ m/s जो होती है वो क्या होती है, स्पीड ऑफ 3 × 10⁻⁸ हमारी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। बट अगर मैं टीवी का केस लेके चलूँ तो टीवी के केस में हमारा क्या होता है, वो साउंड हमारा फर्स्ट आता है उसके बाद पिक्चर आता है, वो हमारी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती स्पीड ऑफ लाइट की, वो हमारी पिक्चर ट्यूब के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, वी लिसन द साउंड फर्स्ट देन सी द पिक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। चार ऑप्शन है हमारे पास, क्या है, स्पीड, टाइम, डेंसिटी या फिर फोर्स। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, टाइम। टाइम जो वो क्या है, इन चारों के चारों इन तीनों से डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ अ मैन ऑफ मास 75 किलोग्राम व्हेन ही वॉक्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 m/s। अब इसमें आपको क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम क्या होता है मेरा, मोमेंटम हमारा क्या होता है, पी इक्वल्स टू एम इंटू वी। मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से, और वो क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी। अब देखो हम इसमें मास कितना गिवन है, मास हमें गिवन है यहाँ पे 75 किलोग्राम और वेलोसिटी कितनी गिवन है हमारे पास, 2 m। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 किलोग्राम m/s। ठीक है, मास की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम, और उसके बाद जो मेरी वेलोसिटी थी उसको क्या ले सकते हैं, m/s। तो क्या हो जाएगा, 150 किलोग्राम m/s। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर क्या हो गया, 150 किलोग्राम m/s। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू अनइक्वल मासेस पोजेस द सेम मोमेंटम देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवियर मास डैश द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइटर मास। कि मेरे पास क्या है, दो अनइक्वल मास है। ठीक है, दो अनइक्वल मास विद द सेम मोमेंटम देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवियर मास इज डैश देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइटर मास। की जो ज़्यादा मास वाले की काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम मास वाले से क्या होगी, स्मॉलर होगी, ग्रेटर होगी या फिर सेम एज, दोनों बराबर होगी या फिर नन। अब हमें पता है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम से क्या रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी हमारी किसके इक्वल होती है, पी स्क्वेयर अपॉन में 2m के इक्वल होती है। अब देखो जो हैवियर मास है, अगर मास ज़्यादा होगा मेरा नीचे, अब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी मेरी, पी स्क्वेयर अपॉन 2m। अगर मास जिसका ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसका मास ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए, क्या आ जाएगा, स्मॉलर देन। तो हमारा रिलेशन याद रखना आप, कि जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट में क्या रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ, 15 बल्ब, 15 बल्ब ऑफ 60 वॉट ईच रन फॉर द 6 आवर डेली एंड फ्रिज ऑफ 300 वॉट रन फ्रॉम
5 आवर डेली, फाइंड द फोर्ट नाइटली बिल एट द रेट ऑफ 30 पैसे पर यूनिट। ठीक है, तो इसमें आपको क्या निकालना है कि 15 बल्ब हमारे 16 वाट के 6 घंटे डेली चलते हैं, और मेरा एक फ्रीजर 300 वाट का वो रन कर रहा है 5 घंटे डेली। तो हमें क्या निकालना है, 14 दिनों का बिल निकालना है, अगर एक यूनिट का जो चार्ज है वो कितना है, 30 पैसे। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर मुझे क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू में क्या हो जाएगा, पी इंटू में क्या हो जाएगा, टी। और पी मेरी यहाँ पे क्या है, पावर, और टी क्या है, टाइम। और पी मुझे पहले वाले केस के लिए कितना गिवन दे रखा है, मुझे पहले वाले केस के लिए पी कितना गिवन दे रखा है, मुझे उसमें मुझे पी की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 60। और बल्ब का केस अगर मैं लेके चल रहा हूँ तो 60 देर की पावर इंटू में टाइम कितना दे रखा था मुझे उसके लिए, 6 आवर, तो 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और इंटू में कितना हो जाएगा, 15 बल्ब जल रहे हैं मेरे डेली के डेली, तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 15 इंटू में 14 नाइट का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे, मुझे किलो वाट में निकालना पड़ेगा क्योंकि किलो वाट आ रहा होती है एनर्जी की यूनिट, तो क्या हो जाएगा, इसको 1000 से मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75.6। क्या वैल्यू आएगी मेरी, 75.6 जो है, 75.6 मेरी जो यूनिट की किसकी वैल्यू आ जाएगी, बल्ब की, जो मेरा जब बल्ब जलेगा तो इतने यूनिट उठाएगा। जब मैं ले केस लेके चल रहा हूँ फ्रिज का, तो फ्रिज के केस में क्या हो जाएगा, सिंपल फ्रिज के केस में क्या करना है मुझे, सेम वही फॉर्मूला लगेगा मेरा फ्रिज के केस में भी, ई इज इक्वल्स टू में पी इन टू टी, यूनिट निकालने के लिए इसमें भी वही 300 इंटू में कितने घंटे चलता है, 5 घंटे डेली चलता है, तो 5 से मल्टीप्लाई, उसके बाद सेम मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको किससे, 14 से, और डिवाइडेड बाय कितना, 14 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दूंगा मैं इसको 1000 से। ठीक है, तो मेरी इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 21 आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 21। अभी दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करने के बाद मेरे पास टोटल यूनिट आएगी वो कितनी आएगी, 96.6, कितनी हो बन जाएगी, 96.6। ठीक है, 96.6। और इसने क्या कहा था आपको कि कितने पैसे पर यूनिट है, 30 पैसे पर यूनिट था ये, जब 30 पैसे पर यूनिट था तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 0.30 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा इसको मैं किससे, 0.30 से, 0.30 से इसकी मैंने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो आप इसको कर लेना, ये थोड़ा इसमें दिक्कत है। ठीक है, तो इसको अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा क्या रिजल्ट आएगा, 28.98 रुपीज़। तो अगर मैं देखूंगा तो मेरे इतने बिल जो यूनिट उठेगी उसके अकॉर्डिंग में जो मेरा जो बिल आएगा वो कितना आ जाएगा, 28.98 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द टू बॉडीज आर रब अगेंस्ट ईच अदर, जब कोई दो बॉडीज है मैंने उनको रब किया एक दूसरे के अगेंस्ट में, तो क्या होगा, दे एक्वायर इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, दोनों के अंदर इक्वल और सिमिलर चार्ज आएगा, दे एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दोनों के अंदर इक्वल और अपोजिट चार्ज आएगा, दे एक्वायर अनइक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दोनों के अंदर अनइक्वल और अपोजिट चार्ज आएगा, फिर दे एक्वायर अनइक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, दे एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, क्योंकि जब अपोजिट चार्ज होते हैं वही क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को जब रब करते हैं तो दोनों के अंदर क्या होता है, एक अपोजिट चार्ज होता है, चीजें आपस में चिपकती है। ठीक है, एग्जाम्पल आप दे भी सकते हैं किसी भी चीज का, जैसे बलून है, बलून को मैंने रब किया अपनी बॉडी, जैसे सिर पे रब करके मैं उसको कहीं दीवार पे चिपका देता हूँ, चिपक जाता है, दोनों के ऊपर क्या होता है अपोजिट, मतलब कुछ चार्ज हमारा बॉडी, कुछ बलून के ऊपर आता है, कुछ हमारा बॉल के ऊपर होता है। ठीक है, तो दोनों के ऊपर क्या होता है, अपोजिट चार्ज, तो आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है, लाइटनिंग इज कास्ट इन द स्काई ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस बिटवीन, तो क्या हो जाएगा, दो ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके पास, कौन कौन से, टू अपोजिटली चार्ज ऑफ क्लाउड्स, टू इक्वल चार्ज ऑफ क्लाउड्स, वन न्यूट्रल वन चार्ज ऑफ क्लाउड्स, या फिर नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू अपोजिटली चार्ज ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द इलेक्ट्रिक करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, कि इलेक्ट्रिक करंट जब
क्या करें, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको क्या कहेंगे? चार ऑप्शन, इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्ट करंट, एसी या फिर नोनोजीज। तो अगर जब भी हमारा जो करंट है वो अगर चेंज हो एक फिक्स इंटरवल के बाद, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एसी या फिर अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका आपका? अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इंटू इलेक्ट्रिसिटी बाय। तो हम जो हमारी सन की जो रेज आती है उसको हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं किसका यूज करके? चार ऑप्शन, सोलर सेल्स, मर्क्यूरी या फिर प्लाज्मा या फिर सोलर कार्स। तो क्या आंसर होगा इसका? सोलर सेल्स। जो हमारे सोलर सेल्स लगे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जो हमारी रेज आती है फोटोन की फॉर्म में, हम डायरेक्ट उसको किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12th, वर्क डन विल बी जीरो इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस इज। वर्क डन मेरा जीरो कब होगा? जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस के बीच में कितना होगा, ठीक है। तो हमें पता है जो वर्क होता है वो क्या होता है मेरा? फोर्स इनटू में डिस्टेंस इनटू में कॉस थीटा, ठीक है। एफ इनटू में डी इनटू में कॉस थीटा। अब जो मेरा थीटा, आप पूरी देख लीजिए, थीटा का एंगल मैं क्या रखूँ चारों में से? 30 से 60, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो जब मेरा थीटा का क्या रखूँ, जो वैल्यू मेरी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो कॉस कितने पे? 180 पे कितना होता है? -1 होता है। कॉस 60 पे कितना होता है? कॉस 60 पे 1/2, और कॉस 30 पे कितना होता है? √3/2। तो मैं क्या रखूंगा? सिंपल सी बात है, 90, क्योंकि कॉस 90 पे क्या होता है? जीरो। तो अगर मैं कॉस 90 डिग्री रखता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा वर्क डन? जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलम बॉब स्टॉप मूविंग व्हेन ऑल इट्स ओरिजिनल गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू, ठीक है। तो जब पेंडुलम बॉब स्टॉप होगा तो जो इसकी एनर्जी गेन होगी वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? चार ऑप्शन आपके पास, साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? थर्मल एनर्जी, ये ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर इज मेजर्ड ऑफ। तो पावर को हम किसे मेजर करेंगे? चार ऑप्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स विच प्रोड्यूसेस मोशन, चेंज ऑफ एनर्जी या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो हमारा पावर क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, कौन सा ऑप्शन रहेगा सही रहेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा जिससे हम पावर को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट इट प्रोड्यूसेस। जब कोई बॉडी वाइब्रेट होती है तो क्या प्रोड्यूस करती है? साउंड, वाटर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर सिंपल सा क्या हो जाएगा? साउंड। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए कार स्टॉप एंड देन स्टार्ट टू एक्सलेटिंग। एक कार रुकती है उसके बाद स्टार्ट करती है एक्सलेशन यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो स्पीड ऑफ कार आफ्टर 20 सेकेंड, तो स्पीड ऑफ कार क्या हो जाएगी 20 सेकेंड के बाद, ठीक है। तो मुझे स्पीड निकालनी है, तो हमारा फार्मूला कौन सा लगेगा? एक हमारा फार्मूला होता है मोशन का, कौन सा? वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी इक्वल्स टू क्या होता है? यू प्लस ए टी। अब मेरी पहले रुकी हुई थी तो इनिशियल वेलोसिटी कार की क्या हो जाएगी? यू प्लस ए टी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। एक्सेलेरेशन आपको उसने दे रखा है कितना? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। ये आपका ये जीरो हो जाएगा, प्लस में एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड आपको दे रखा था उसने, और टाइम कितना दे रखा था? 20 सेकंड। टाइम कितना दे रखा था उसने आपको? 20 सेकंड। तो कितना हो जाएगी आपकी वेलोसिटी? 60, ठीक है। तो कितना हो जाएगी? 60 हो जाएगी आपकी वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हो जाएगी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू अ टाइम एक्सिस देन। अगर कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है आपको, ठीक है, और इंक्लाइंड है वो टाइम एक्सिस के अलोंग, तो क्या होगा? जो एक्सेलेरेशन होगा वो इक्वल टू जीरो होगा, एक्सेलेरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होगा, एक्सेलेरेशन नॉट इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होगा। तो जब हमारा क्या हो रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर कोई स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस के अलोंग, तो मेरी क्या हो रही है? वेलोसिटी मेरी क्या है? कांस्टेंट। तो मेरा एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ मोशन विद। अगर कोई बॉडी फ्री फॉल एन ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ मोशन, मोशन के केस में अगर कोई बॉडी फ्रीली गिर रही है तो उस केस में क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी उसकी, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, या फिर कॉन्स्टेंट मोमेंटम होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर कोई भी बॉडी अगर गिर रही है फ्रीली, तो इसमें क्या होगा आपका? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा उसका, उसका उस टाइम की वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी?
कॉन्स्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ मूविंग व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ मूविंग व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर कोई गाड़ी रुक रही है तो उसका जो जो उसकी डिस्टेंस होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। स्क्वेयर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, स्क्वेयर ऑफ इनिशियल एक्सलरेशन, द इनिशियल वेलोसिटी या फिर इनिशियल एक्सलरेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, स्क्वेयर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। और स्क्वेयर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी कैसे होगा, हमारा फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कौन से वाला, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 ए एस। अब इस वाले केस में आप देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो क्या थी, हमें क्या निकालना था इसके अंदर कि हमारी जो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, मुझे यानी क्या निकालना था, एस हमारा किसके इक्वल होगा। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी, 0, और माइनस में क्या बचेगा, यू स्क्वेयर यानी इनिशियल वेलोसिटी, और उस साइड क्या था मेरा, एस यानी डिस्टेंस के इक्वल, तो मेरा क्या हो जाएगा, वो स्क्वेयर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन, तो चार ऑप्शन, टॉरिसिली थ्योरम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बर्नौलीज या फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इसका क्या आ जाएगा, बर्नौलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमरीन इज बेस्ड ऑन, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमरीन होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, आर्कमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम, पास्कल लॉ या फिर न्यूटन लॉ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्कमिडीज प्रिंसिपल। जहाँ पे भी वाटर से रिलेटेड कुछ भी आए तो सिंपल सी बात है, आप फोन करके आर्कमिडीज प्रिंसिपल लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्शन ऑफ अ नीव स्प्लिट इनटू द टॉप इज एक्सप्लेन्ड बाय ग्रेविटी फ्लो, डिफ्यूजन ऑफ फ्लूइड, कैपिलरी एक्शन या फिर ऑस्मोसिस ऑफ लिक्विड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैपिलरी एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो जहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास, पियर लॉ, लेमिंग राइट हैंड रूल, लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फिर मैक्सवेल कॉर्कस्क्यू लॉ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। जहाँ पे भी वैसे भी जनरेटर वगैरह में हम किसका यूज करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रही है और ये मुझे क्या बताता है, ठीक है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में मुझे क्या बताएगा कि भाई मेरा टॉर्क की डायरेक्शन किस डायरेक्शन, टॉर्क की डायरेक्शन बताता है, और ये मेरा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो जनरेट, डायनमो क्या जनरेट करता है, तो चार ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन चार्जेस, ईएमएफ या फिर मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करेगा, ईएमएफ जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर मेरा क्या होता है, चार ऑप्शन है, डायनमो, इलेक्ट्रिक मोटर या फिर वोल्ट मीटर या फिर नन ऑफ दीज, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर मेरा क्या होगा, इसमें आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर डायनमो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज नोन एज, तो मोमेंट ऑफ फोर्स को हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज नोन एज, ठीक है। तो चार ऑप्शन, टॉर्क, इम्पल्स, वर्कडन या फिर नन ऑफ दीज, तो मोमेंट ऑफ फोर्स मेरी क्या होती है, इम्पल्स होती है मेरी मोमेंट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट इज, ठीक है। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू क्यू, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एल या फिर नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि मुझे हमें पता है क्या, वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलम पर सेकेंड इज इक्वल्स टू, कूलम पर सेकंड किसके इक्वल होगा, वोल्ट के इक्वल, ओम के इक्वल, वॉट के इक्वल या फिर एम्पियर के इक्वल। अब हमें पता है कि यू इक्वल्स टू क्या होता है, आई टी, आई इंटू टी यानी करंट इंटू टाइम, तो करंट किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू अपॉन टी यानी कि कूलम पर सेकंड, क्यू का क्या हो जाएगा, कूलम, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड, यानी किसके इक्वल आएगा, आई, आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, आई क्या होता है, करंट या फिर एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटर आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द, तो कैपेसिटर को हम किसके अकॉर्डिंग नाम रखते हैं, साइज ऑफ कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज या फिर मटेरियल यूज फॉर द प्लेट्स या फिर वर्किंग ऑफ द वोल्टेज, तो जो भी कैपेसिटर होता है उसका नाम कैसे रखते हैं, मटेरियल यूज फॉर द प्लेट्स, ठीक है, उसका अकॉर्डिंग रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटिटी ऑफ वेट इज मेजर्ड बाय, तो हम वेट को किससे मेजर करते हैं, चार ऑप्शन, बीम बैलेंस, कॉमन बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस या फिर बैलेंस्ड व्हील, तो जो हमारा क्वांटिटी ऑफ वेट होती है उसको हम किससे मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं, ठीक है। तो गाइज ये थे आपके 30 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।